क्या कर? अपनी बीवी से प्यार और क्या? 4 महीने हो गए, ना सुहागरात खत्म हो रही है, ना हनीमून, ना तुम्हारा प्यार। अच्छा, मतलब तुम चाहती हो कि प्यार खत्म हो जाए? अरे प्यार नहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन बाकी काम तो शुरू होना चाहिए ना। देखो घर में कितना काम है। सही बोला, देख ही तो रहा हूँ कितना सारा काम है। इधर नहीं उधर, कितना काम है। तेरी आंखों में सारी दुनिया दिख गई, दुनिया में देखा तो कुछ नहीं मिला। क्यों ना दोनों मिलके काम करते हैं? अबे कौन आ गया बेवक्त यार? मैं देख के आती हूँ, ठीक है? नहीं रहने दो, जो भी होगा चला जाए। अरे देख के तो आओ कौन है। 2 मिनट। जी हाय। हाय, मैं वो आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। अच्छा, वर्मा जी के वहाँ? हाँ वर्मा जी के यहाँ। उन्होंने कहा था कि घर की चाबी आपसे ले। हाँ उन्होंने बताया था, लेकिन आप तो कल आने वाली थी ना। हाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि हमें आज ही आना पड़ा। सॉरी आपको इतनी रात में डिस्टर्ब करने के लिए। नो वरीज, अभी तो आप हमारी पड़ोसी है। प्लीज वेट, हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। अरे बाबा क्या ढूंढ रही हो, क्या है, कौन है? अरे पड़ोसी है बाबा। अरे पड़ोसी है तो फिर पड़ोस में रहना। इतनी रात को कोई आता है क्या? चाबी लेने आए। जल्दी आओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। प्लीज बस 2 मिनट। वैसे भी मैं तो आप ही की हूँ, पूरी रात बाकी है। ऐसा बोलोगे तो और इंतजार नहीं होता यार। Your keys. Thank you. Welcome. Good night. अरे यार कहाँ रह गई? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम? तुम देखते ना तो तुम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ऐसा क्या देख लिया तुमने? वो अपना पीछे वाला घर है ना, जहाँ से वर्मा जी ने चाबी लेने के लिए बोला था। मैं ना वहाँ गई थी और मैंने वहाँ क्या देखा? क्या देखा? अरे एक भैंसे जैसा आदमी, जैसे कोयले से नहा के आया हो, और उसकी बीवी। अरे यार क्या बोलूं, क्या आंखें, क्या होंठ, क्या रंग, क्या फिगर, माइंड ब्लोइंग। मतलब किसी एक्टर मॉडल से कम नहीं। ऐसी लड़की तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है। अच्छा ओए तुम उसके बारे में क्या सोचने लगे? डार्लिंग मैं सोच रहा था कि वो इतनी खूबसूरत है और उसका पति इतना बदसूरत, फिर तो उसे मेरे जैसा हैंडसम लड़का मिलना चाहिए। वो शादीशुदा है, ओके? तो क्या हुआ? मैं थोड़ी ना हूं। ऐसे ही नहीं लिविन में आई हूँ तुम्हारे साथ। किसी और की तरफ देखा भी ना तो पहले उसकी गर्दन काटूंगी फिर तुम्हारी। यू नो ना हाउ वाइल्ड आई एम। Hello, wife. फिर छोड़ो, सोसाइटी वाले देख लेंगे, घर में तो चलो।
जितना महक ने बताया था ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इधर आ, मुझे तेरे से बहुत सारी बातें करनी है। और बता, शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है? अरे 5 महीने हो गए ऑलमोस्ट, पता है? लेकिन इनकी हरकतों से ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 दिन हुए। अरे वाह, तू तो बहुत लकी है यार। मेरा तो नसीब ही खराब है। टॉल हैंडसम पुलिस ऑफिसर हस्बैंड है मेरे, लेकिन मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। जो भी ड्यूटी करनी होती है सिर्फ पब्लिक के लिए। मैं वाकई में बहुत लकी हूँ। देखना, इतना प्यार, पैसा, गाड़ी, शौहरत, सब कुछ है मेरे पास। और जोड़ी भी तो कितनी अच्छी है। कोमल, मैं जानती हूँ तेरा इशारा किस तरफ है। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तुझे भी तो बुरा लगता होगा ना। अब तू खुद को देख, कितनी हॉट है, कितनी सुंदर है। और तुझे याद है तू कॉलेज की मिस फ्रेशर हुआ करती थी? कितने स्मार्ट और हैंडसम लड़के तेरे पीछे थे। ओ माय गॉड। चल ठीक है, माना तुम्हें दिल का अच्छा है, पर फिर भी यार। कोमल, लाइफ का दूसरा नाम कॉम्प्रोमाइज। एंड यू नो व्हाट, अगर मैंने सब कुछ पाया है तो थोड़ा बहुत खो के मुझे गम भी नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। जो तेरी सोच है ना, वैसी बाकी दुनिया की भी है। भाई फिर वो ऐसा भागा ना, मतलब एक नंबर का फट्टू है। वो देख क्या माल है, सॉलिड बाबा। ना माल तो ठीक है, पर इसके साथ ये फटा हुआ झोला कौन है? अरे झोला नहीं, इतने टाइम कोयला लेके गई होगी, तभी ये ऐसा है। भाई मेरे को क्या लगता है ना, जैसे माँ हमारे बचपन में लगाती थी वो काला टीका कि नजर ना लगे, इसकी माँ भी बहुत डेढ़शानी होगी भाई। इसलिए उसको नजर ना लगे, उसको डम्बर में चपेट दिया होगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इसकी माँ ने ऐसा क्या देखा इसमें, इतनी सुंदर लड़की शादी इससे करवा दी? पैसा बाबा, पैसा, पैसा बोलता है। अच्छी खासी प्राइस दी होगी, क्यों? क्या समस्या आपकी? बोलती बंद हो गई, बोलिए ना। कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। आप लोग यही रिसर्च कर रहे थे कि मेरी जैसी गोरी लड़की को ऐसा दूल्हा कैसे मिल गया? कितने पैसे दिए इनके घर वालों ने मेरे घर वालों को?
क्या मजबूरी थी मेरी कि इनसे मैंने शादी कर ली? हाँ यही ना। सुना मैंने, तो जरा आप भी बताइए आपके माँ बाप की ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप जैसे लोगों को इस धरती पे पैदा किया? आपसे बड़ा बोझ कोई नहीं है। सुनो, अगर आप कुछ कहा ना। अरे अरे जाने दो बेबी, छोड़ो ना, चलो चलते हैं। आज की बात ना सुमित के बारे में ऐसा कुछ मत कहना। कुछ नहीं कहूंगी कि सुमित। सॉरी सॉरी। तू बैठ, मैं तेरे लिए बढ़िया सी कॉफी बना के लेके आऊंगी। ओके डन, थैंक यू। या शर्मा, रिया शर्मा, हाँ ये रही अपनी रिया शर्मा। रिक्वेस्ट भेजता हूँ। कुछ नोटिफिकेशन आया है। किसका है देखना। पासवर्ड 2302 2302 शादी की डेट। यार तुझे इतने सारे मैसेज आ रखे हैं, तू देखती नहीं है? अरे मैं कहाँ ये सब यूज करती हूँ, और वैसे भी सब अनलोन लोग होंगे। अरे सुन, देखो एक फॉलो रिक्वेस्ट भी आया है। कौन है? कोई अतुल सोलंकी होगा कोई। एक्सेप्ट कर लिया, एक अच्छा सा मैसेज लिखता हूँ। यार देख मैसेज भी कर रहा है, देख इधर। तो पागल है क्या, तूने एक्सेप्ट कर लिया? एक्सेप्ट क्यों किया यार? यार रिया एक बार पिक्चर देख ले यार। यार क्या हॉट बंदा है यार। एप्स तो देख बंदे के। कोमल मैं क्या करूंगी ये सब देख के। आपसे यूं तो बहुत लोगों ने कहा होगा, पर फिर भी एक बार सुन लीजिए। आप बहुत खूबसूरत है। यूं पका रही बेचारी को यार। रुक जा, अभी मैं इसके और मजे लेती हूँ। आप भी कम नहीं है, आई मीन आपकी बॉडी। फिटनेस फ्रीक लगते हैं आप। मेरा मानना है कि फिट तो सबको रहना ही चाहिए, आफ्टर ऑल जब तक जीना। अच्छे से जियो, यूं बीमार होके भी कोई जीना है। अच्छा सुनना, उसको एक फ्लर्ट वाला मैसेज छोड़ू क्या? एक मिनट। और ये भेज दिया तेरे आशिक को। वाओ। आपने जवाब नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी, बट सुबह मेरी एक फ्रेंड घर पर आई हुई थी, उसने ही आपके मैसेज पढ़े और वो ही आपको रिप्लाई कर रही थी। आई एम सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर रही थी। कोई बात नहीं, अभी तो आप बात कर रही है ना। ये देखिए आज की जिम की वर्कआउट की पिक। क्या आप मुझे वर्कआउट सिखाएंगे? कब से आऊं आपको वर्कआउट सिखाने? हाय। हाय। कम कम इन। क्लीशे लाइंस है पर कहना पड़े, आपका घर आपकी तरह ही बेहद खूबसूरत है। थैंक यू। सो क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? जी कुछ नहीं, ये जो बॉडी है ना रिया जी,
ये ऐसे नहीं बने, जिम के साथ साथ प्रॉपर डाइट की भी जरूरत होती है। यू नो ना मिस्टर खिलाड़ी, खिलाड़ी अरे अक्षय, अक्षय कुमार, जस्ट लुक एट हिम, इस एज में भी कितने फिट है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज बट ही फॉलोज अ स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। सो यू मीन फिट होने के लिए मुझे चाय छोड़ना पड़ेगा? प्लीज डोंट टेल मी, हाँ ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आपको चाय छोड़ने कौन कह रहा? चाय पीकर भी आप देखिए ना कितनी फिट। यू मीन मैं इतनी फिट हूँ तो मुझे आपकी क्या जरूरत है? नहीं अब आप इतनी भी फिट नहीं है। okay. तो शुरू करें? या मैं चेंज करके आती हूँ। शादीशुदा से शादी कहती हो? ये तुम्हारी गरीबी की चुकाई हुई एक कीमत है बस। देखो इसे, इसकी शक्ल देखो और तुमको देखो। क्या तुम ये सब डिजर्व करती हो? तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारी बेबसी का फायदा उठाया इसने, तुम्हें यूज किया है। क्या तुम ऐसा घटिया आदमी डिजर्व करती हो अपने लाइफ में? तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो भैया। और तुम्हारी महक का, उसका क्या? बीवी नहीं है वो मेरी, लिव इन में रह रहे हैं हम लोग। और ज्यादा बात की ना तो उसको थपके मार के बाहर निकाल दूंगा घर से। मैं तुम्हें इतनी पसंद हूं? अरे तुम्हें तो अंधा भी पसंद कर ले। मेरी तो फिर भी दो आंखें। मैं वो मैं थोड़ा एक्सरसाइज सीखूंगा। एक्सरसाइज इन कपड़ों में? महक हम लोग चुप, एकदम चुप। मैं तुझसे नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, समझी? तेरा ना सारा गेम समझ गई। बैक, तमीज से बात करो। मुझे तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करो। ये औरत इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसने ऐसे आदमी के साथ क्यों शादी की? तो उसके पास प्रॉपर्टी है, अब जब इसके हाथ में पैसा आ गया तुझे फंसा रही है ना? तो मतलब एक तरफ हस्बैंड का पैसा और दूसरी तरफ एक हैंडसम जवान मर्द, यही गेम है ना तेरा? लोग हमसे अरे चुप, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। तेरे हस्बैंड जैसे भोली नहीं हूं मैं, तेरे जैसे लड़की की बातों में आ जाऊंगी। तेरे नसीब में ना वही बेहुदा है, तो तू जा, तू जा उसके पास और उसी की बाहों में झूल, समझी? अतुल की तरफ
अगर आंख उठाकर भी देखा ना तेरे हस्बैंड को जाके सब सच बता दूंगी। फिर ना पैसा रहेगा और ना अतुल। और हाँ, अतुल तो तुझे सपने में भी नहीं मिलने वाला, समझी? निकल अब। निकल, देख क्या रही है, गेट आउट। तू बताती हूँ तुझे। सॉरी, सुबह सारा मूड खराब हो गया था। रिया, क्या मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे? क्या? अपने साड़ी का पल्लू गिरा दो ना प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या करने के लिए कह रहे हो? मैं ये सब करने का सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं करने वाली। रिया प्लीज, मेरे लिए। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ऑफिस से काम जल्दी खत्म हो गया था इसलिए जल्दी आ गया। तुम फोन पे किससे? मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। अच्छा, मैं तो तुम्हें रोज ही मिस करता हूँ। मैं ना तुम्हें खाना तो अपनी थाली में ले लो ना, मेरी थाली को खींच ली। आज से ये सारे ऑयली फैटी खाना सब बंद। क्या खाऊंगा मैं? ये अब से यही खाना पड़ेगा। घूरो मत मुझे, अपने आप को देखा है? 30 साल में भी ना 50 साल के लगते हो। अरे शक्ल तो अपने हाथ में होती नहीं है, पर बॉडी तो बना सकते हो ना, वो तो फिट कर सकते हो, वो तो बना सकते हो। अब तक तो सब ठीक था, अभी अचानक क्या हो गया तुम्हें? कुछ अचानक से नहीं हुआ। अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हारे साथ जब मैं अपनी फोटो अपलोड करती हूँ ना, तो पता नहीं कैसे कैसे कमेंट आते हैं। देखना चाहोगे? खुद ही पढ़ लो ना। लो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। लंगूर के हाथ में अंगूर, पति को देखने के लिए टॉर्च की जरूरत पड़ती होगी, पति अंधेरे में दिखता नहीं है। और पढ़ के सुनाओ। बस रिया, तुम ये सब बातें मुझे क्यों सुना रही? ये सब बातें मेरे लिए नई नहीं है। ये सारे ताने सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं, और वैसे भी ये रंग रूप चेहरा ये सब भगवान की देन होते हैं, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना तुम। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, करना चाहोगे तब तो कुछ होगा ना। प्रॉपर डाइट होता है, प्रॉपर स्केड्यूल होता है। आजकल ना मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। यार, बाबा, ये फिल्मी लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है, हमारा जीवन एकदम अलग है। उनकी जिंदगी को हमारी जिंदगी से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं। ये क्या फिल्मी लोग लगा रखा? वो क्या मंगल ग्रह से आते हैं? वो भी तुम्हारे और मेरे जैसे ना आम इंसान है। देखो रिया, मेरा रंग हमेशा से ऐसा ही है, और मेरे चेहरे को इस रंग को देखकर ही तुमने शादी के लिए हाँ किया। हाँ, तब किया था क्योंकि तब ऑप्शन नहीं था ना, पर अब? अब क्या मतलब? अब से जो मैं कहूंगी वही होगा, जो स्केड्यूल मैं बनाऊंगी वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगी वही खाना पड़ेगा। मैं कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, और इसके आगे मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए।
मैंने जो कह दिया बस वो फाइनल। और अगर मैं नहीं चलना चाहूं तो? देख लिया, अगर नहीं चले ना तो तुम्हारी शक्ल की हालत भी ना ऐसी कर दूंगी मैं। ये क्या हुआ? तुम्हारी मेहरबानी की देन है और क्या। तुमने जो क्रीम दिलवाया था उसका रिएक्शन। तुम 4 साल के बच्चे हो क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि क्रीम पहले अपने आर्म पे लगा के रात भर छोड़ना, नेक्स्ट डे देखना कि इसका रिएक्शन होता है कि नहीं, टेस्ट करना है, फिर अपनी ये शक्ल पे अप्लाई करना। सॉरी, मैं भूल गया था। भूल गए थे मतलब? कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहे कितना भी मेहनत कर लूं, चाहे कुछ भी कर लूं, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें खुद का कोई एफर्ट डालना ही नहीं है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? ना तुम्हें फर्क पड़ता है अपने शक्ल से, ना मेरे दुख से, किसी से फर्क नहीं पड़ता तुमको। अरे रिया, ऐसी बात नहीं है बाबा। तुम खुद देखो ना, क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? और मेरे तो ये समझ में आ ही नहीं रहा है अब तक कि आखिर तुम ऐसा मुझसे करवा क्यों रही हो। अरे भाई, ये रंग रूप से आखिर क्या ही बदल जाएगा? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, इस रंग से, इस शक्ल से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। तो एक बात बता, रितेश की शादी में तुमने मुझे क्यों चुना? वहां तो और भी लड़कियां थी ना। हाँ, तो तुमने मुझे क्यों पसंद किया? मेरे घर में क्यों रिश्ता लेके आए? ना कोई दान, ना कोई दहेज, ना कोई डिमांड, क्यों? इससे पहले तो हमारी कोई बातचीत नहीं थी। ऐसा क्या मुझ में दिख गया था जो मुझसे प्यार हो गया था तुम्हें? बोलो ना। वो जवाब नहीं है ना? हाँ, मैं बताऊं? क्योंकि उस शादी में मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं थी। मेरा रंग, मेरा फिगर देख के तुमने एक ही बार में पसंद कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा परिवार तुम्हारे साथ मुझे देख के बहुत खुश है? नहीं, अरे उन्होंने तो तुम्हारे स्टेटस देख के मेरी शादी तुमसे करवा दी थी। उन्हें लगा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। पर तुमने कभी सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा? मैं क्या फील करती हूँ? बस अपना सोचते हो, खुद की तो लाइफ सेट है। हाँ, खुद तो रात में एकदम मजे मार के सोते होगे। गोरी चिट्टी सुंदर बीवी जो मिली है, मेरे शरीर को हाथ लगाते वक्त बहुत अच्छा लगता होगा ना तुमको। पर मेरा सोचा, जब तुम्हारी ये भद्दे होठ, तुम्हारा ये रंग, ये शरीर जब मेरे करीब आता है तो मैं कैसा महसूस करती हूँ? सोचा है कभी? घिन आती है मुझे, घिन आती तुम्हें हाथ लगाने से मुझे। देखो रिया, प्लीज समझो ना मेरी बात। डोंट टच मी। डोंट टच मी मिस्टर सुमित शर्मा। ये अपना मुझे और बिस्तर दो और दफा हो जाओ यहाँ से। आज से ये सब हॉल में, समझे? शुक्रिया, मेरी बात समझो। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे शक्ल तो अपने हाथ में होती नहीं है, पर बॉडी तो बना सकते हो ना। खाना खाओगे ठीक से ना तो फिट रहोगे। मेरे शरीर को हाथ लगाते वक्त बहुत अच्छा लगता होगा ना तुमको। पर मेरा सोचा, जब तुम्हारी ये भद्दे होठ, तुम्हारा ये रंग, ये शरीर जब मेरे करीब आता है तो मैं कैसा महसूस करती हूँ?
घिन आती है मुझे, घिन आती तुम्हें, घिन आती तुम्हें, हाथ लगाने से मुझे, हाथ लगाने से मुझे, हाथ लगाने से मुझे। इस बेडरूम में आना भी मत, बेडरूम में आना भी मत, बेडरूम में आना भी मत। जीजू, हाय जीजू, ये मेरे हस्बैंड है राजवीर, और राजवीर ये रिया के हस्बैंड सुमित। हेलो, हाय। सॉरी मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया। आप तो जानते हैं कि पुलिस की ड्यूटी कैसी होती है। वैसे आप बहुत लकी हैं। अरे रिया जैसी ब्यूटीफुल वाइफ जो मिली है आपको। तो क्या तुम अनलकी हो? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अरे जीजू, ये आपके फेस पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो ऐसे ही रिएक्शन हो गया। देखिए माफ कीजिएगा, मुझे जरा देर हो रही है, मुझे जाना है। जीजू, आपके और रिया के बीच में सब ठीक है ना? सब ठीक है, क्या होगा, सब ठीक है। माफ कीजिएगा, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा लगा आपसे मिलकर। कोमल, मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं चलता हूँ। ये सब क्या है रिया? ये वही कहानी है जिसकी शुरुआत तुमने की थी? मैंने इस तरह के अंत के लिए तो शुरुआत नहीं की थी। वो सब एक मजाक था। तुमको किसने कहा कि ये अंत है? इनफैक्ट ये तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत है। रिया, मजाक को सीरियस ना ले प्लीज। मजाक? पता है मजाक क्या है? ये मजाक। किसे कहते हैं मजाक? रिया तू गलत कर रही है। गलत मैं नहीं, गलत ये है। गलत किसने किया है मेरे साथ? रिया, उसने तुझसे शादी की है। रियली? शादी? शादी नहीं की है उसने, सौदा किया है। मेरी बेबसी का फायदा उठाया उसने। क्या बक रही है तू? और तू ही तो कहती थी ना कि सुमित तुझसे कितना प्यार करता है। कहती थी पर अब नहीं कहती। वाओ, पासवर्ड भी चेंज। हाँ, अतुल का डेट ऑफ बर्थ है 1807। रिया, इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। तू तो इतना लेक्चर देगी? तेरा पति तो टॉल हैंडसम है ना, अगर तेरी शादी भी ना ऐसे बेहुदा बदसूरत आदमी से हुई होती ना, तब तुझे पता चलता। जिसे तकलीफ होती है ना उसे पता होता है। ऐसे बोलना ना बहुत आसान है कोमल। अरे तूने अपने कान बंद कर लिए रिया, तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। पर जिस बॉम्ब में तू आग लगा रही है ना, वो एक दिन इतना जोर से फटेगा कि तू कुछ भी सुनने के लायक नहीं रहेगी। उस दिन मैं तुझसे आके पूछूंगी। अभी मैं चलती हूँ। कहाँ गई थी तुम? खाना फ्रिज में रखा है, गर्म करके खा लो। मुझे खाना नहीं चाहिए,
ये बताओ कहाँ गई थी? तुम्हें तो पूछने का हक भी नहीं है। बीवी हो मेरी, समझी? बीवी? मैं तुम्हारी बीवी? मैं बीवी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी शिकार हूँ। शिकार जिसने अपने पैसों से मुझसे शादी कर ली, जिसने मेरे सपनों का कत्ल कर दिया। तुमने तो मेरे साथ खेल खेला है। एक मिनट जरा, तुमने शराब पी? हाँ? तुम शराब पी कर आई हो और मुझसे जबान लड़ा रही हो? हाँ हाँ छोड़ो ना। नहीं। अरे हाथ छोड़ो मेरा। नहीं रिया। हाथ छोड़। नहीं छोड़ मेरा हाथ। मुझे हाथ लगाया रिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ गटर में पड़ा हुआ कीड़ा है तू, कीड़ा समझा? कभी मेरी जैसी लड़की सपने में भी देखा है क्या? मुझे बीवी कहता है? हाँ? ये? हाँ? मेरी जैसी लड़की देखी भी है क्या तूने? मुझे बीवी कहता है? नहीं करूँगा सवाल। एक और बात, आज के बाद इस छत के नीचे हमारे बीच में पति पत्नी जैसा रिश्ता कुछ भी नहीं है। और ये तेरी पत्नी जैसी जगत दूर, दूर रखना मुझसे, क्या दूर रखेगा? पत्नी जैसी शक्ल दूर रहे, मुझसे सवाल मत करना आज के बाद। हट यहाँ से। सही किया तुम, ऐसे आदमी के साथ ऐसे ही करना यही डिजर्व करता है। मैं तो सोचती हूँ उसे डिवोर्स दे दूँ, वैसे भी उसकी अब शक्ल मुझे बर्दाश्त नहीं होती। अरे नहीं रिया, ये कभी मत करना। अगर तुमने उसे डिवोर्स दे दिया तो तुम्हें सिर्फ एलिमनी मिलेगी, वैसे तो तुम पूरी जायदाद के मालकी हो। बंदा दिखता बहुत गंदा है पर पैसा बहुत है उसके पास। मैं ऐसे ही उसे नौकर बना के रखना और बाकी हम उसके पैसों पर ऐश करें। तो मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो उसके लिए मुझे डिवोर्स तो देना पड़ेगा ना उसे? उसके लिए डिवोर्स की क्या जरूरत है, उसे रास्ते से हटाया भी तो जा सकता है। सही समझा तुमने, ऐसा मोमेंट क्रिएट करेंगे कि वो खुद अपनी जान दे देगा। मैं तो सोचती हूँ उसकी अब शक्ल मुझे अरे सुमित, ये क्या है? मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं, इसके लिए मुझे किसी ने भी मजबूर नहीं किया ना ही इसके लिए कोई जिम्मेदार है। या मुझे सब पता चल गया है, तुम अतुल से प्यार करती हो, तुम्हें मेरे रंग से शर्म आती है, आनी भी चाहिए, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं हूं।
तुम मुझे मेरी प्रॉपर्टी के लिए मारना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कत्ल के इल्जाम में तुम्हें सजा हो, इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं। प्रॉपर्टी भी सब तुम्हारे नाम कर दिया है और सुसाइड नोट भी छोड़ दिया है, जिससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस जन्म में तुम्हारे लायक नहीं बन सका, उम्मीद है अगले जन्म में तुम्हारे लायक बन सकूं। सुमित जीजू, पागल हो आप? अरे ऐसी औरत के लिए मरने के लिए जा रहे थे आप? अरे ऐसी औरतों पे आपकी कुर्बानी का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर का इंसान ही मर चुका है। सही कह रही हो तुम, बेवकूफ है ये। कभी सोचा है तुमने, जो तुम्हारे लिए मुझे छोड़ सकता है, वो कल किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है। और ये जब तुम्हारे लिए सुसाइड करने जा रहे थे, कोयला और हीरा एक ही खान से मिलते हैं रिया, तुम रंग से धोखा खा गई। कोयले को हीरा समझकर उसे पाने चली गई, और तुम्हारे हाथ में जो हीरा था उसे कोयला समझ के फेंक दिया तुमने। आई पिटी यू रिया, मुझे तुम पर दया आ रही है। रिया, जब मैंने राजवीर से तुम्हारे अंदर आए हुए बदलाव के बारे में बोला और बताया कि सुमित से तुम्हें नफरत होने लगी है, तो हमने सोचा कि तुम दोनों से मिलकर बात करना चाहिए, इसलिए आज हम तुम्हारे घर पे आए थे। रिया, तुमने और अतुल ने जो सुमित के साथ किया वो गलत था। तुम्हें तुम्हारे पति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के जुर्म में और तुम्हें उनकी हत्या की साजिश करने के जुर्म में मैं गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट।